छत्तीसगढ़ में महिलाओं को महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई को मिलने जा रही है। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में योजना की राशि अंतरित की जाएगी, लेकिन पैसे ट्रांसफर होने से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद पैसे नहीं मिलने की बात भी कही है। आखिर महतारी वंदन योजना को लेकर क्या है लोकसभा चुनाव के पहले सियासी बयानबाजी, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि एक बार फिर मिलने जा रही है। प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी, लेकिन अब महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दावा किया कि प्रदेश की 75% महिलाओं को योजना की दूसरी किश्त नहीं मिली। महिलाओं को सरकार बनने के बाद 3 महीने की राशि नहीं दी गई, यही वजह है कि अब इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस हर सभा में महतारी वंदन योजना की राशि देने के नाम पर महिलाओं को ठगने का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का ये भी दावा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस राशि के मिलने की कोई गारंटी नहीं। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को लगातार पूरी राशि मिल रही है, 1 मई को एक बार फिर राशि मिलने जा रही है। ये मोदी की गारंटी है, इसलिए जब तक भाजपा की सरकार रहेगी महिलाओं को ये राशि मिलती रहेगी। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की माता बहनों को ठगने का काम किया है, इसलिए दिसंबर में सरकार बनी, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना का पैसा महतारी वंदन का मिला नहीं, सिर्फ मार्च और अप्रैल चुनाव से पहले ये दे रही है। उसमें भी 75% महिलाओं के खातों में पैसा गया भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहला चरण और सेकेंड चरण का चुनाव हुआ उसकी घबराहट उसकी डर के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले महीना के भी देंगे। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम लूटने का काम किया उनकी यही सोच और यही मानसिकता हो सकती है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की 70 लाख माताएं बहनें आज कितने प्रसन्न हैं और अपने परिवार के विकास और तरक्की में उस 1,000 रुपये प्रति महीने पाकर महतारी वंदन योजना का पैसा पाकर अपने परिवार और प्रदेश के विकास में योगदान कर रही हैं। 1 मई को उन्हें तीसरी किस्त भी कल मिलेगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार जब तक रहेगी माताओं बहनों का इस प्रकार से सम्मान होता रहेगा और उन्हें वो राशि मिलती रहेगी। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक हितग्राही वाली योजना है और यही वजह है कि इसे लेकर महिलाओं में बेहद आकर्षण है। महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में मतदान से ठीक 1 सप्ताह पहले महिलाओं को मिलने वाली राशि का चुनाव में क्या होगा असर, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।